सोशल मीडिया पर मौजूद अधिकांश लोगों के दिन कैसे शुरू होता है, वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाकर ये चेक करते हैं कि उन्हें किसने व्हाट्सएप किया है, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर किसने क्या कमेंट किया है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया पर लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं और ऐसे लोग हैं जो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते और अपनी राय को आप पर थोपने की कोशिश करते रहते हैं। पहले ऐसे लोग ये काम किसी फेक आईडी के जरिए करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हिम्मत इतनी बढ़ी कि वह ओरिजिनल आईडी से सामने आने लगे और हर उस शख्स को धमकाने लगे जो उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता था। सोशल मीडिया पर दूसरों को धमकाने वाले लोगों का आतंक बढ़ता गया और परेशान होकर बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ मुश्किल यही थी कि दबंगई करने वाले लोग एक खास विचारधारा को पूरे देश के लोगों पर थोपने पर आमादा थे और आज भी आमादा है, और इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं होती और शिकायत दर्ज हो जाए तो कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी स्थिति में इन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया और अंत में सोशल मीडिया को छोड़ना ही एक विकल्प था। अब उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है, सोशल मीडिया के खतरनाक मोड़ ले लिया है और देश में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित समय के भीतर दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा है कि व्यक्ति की निजता का संरक्षण करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। कोई किसी को ट्रोल क्यों करे और झूठी जानकारी क्यों फैलाए, आखिर ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने का हक क्यों नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें सोशल मीडिया अकाउंट के आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। इस मामले पर जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा है कि इस मामले पर ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट फैसला दे सकता है, सरकार और आईटी डिपार्टमेंट इसे देखे और समस्या का हल तलाशे। पीठ ने कहा है कि शीर्ष अदालत या उच्च न्यायालय इस वैज्ञानिक मुद्दे पर फैसला लेने में सक्षम नहीं है और इन मुद्दों से निपटने के लिए सरकार को ही उचित दिशा निर्देश बनाने होंगे। न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर संदेश सामग्री उपलब्ध करवाने वाले का पता लगाना एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए नीति की जरूरत है। अब सवाल ये है कि जब सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर पहले से ही कानून बना हुआ है तो फिर नए कानून की क्या जरूरत है। इसलिए पहले सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वह पुराने कानूनों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाए, वरना अगर ट्रोल आर्मी इसी तरह लोगों को परेशान करती रही और इस तरह लोग उनकी वजह से डिप्रेशन में जाते रहे तो फिर नए कानून की क्या जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।